तो जी नाइन की सही वैरायटी कहाँ से लें, कैसे पहचान करें? जैसे जब हम आपके खेत में थे तो आपने एक कुछ शब्द यूज किए थे कि 3 बार और जी चार जी बार जी 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 मल्टीप्लीकेशन जी का, जी जी तो वो जरा किसानों को बताइए कि ये पौधा कौन सी मेथड का बना हुआ होगा, बीज का होगा, टिश्यू का होगा, जी या जी ग्राफ्टेड होगा, या क्या होगा, या जी हम उसमें से जो उसकी जो मोल आती है उसे जी जी काट कर जी लगाएंगे, और कौन सा सही रहता है और उसकी पहचान क्या होगी? जी इसमें दो तरीके हैं। यदि मेरे पास पैसा कम है, मैं एक सामान्य किसान हूं, तो मैं कंद भी खरीद सकता हूं। आपको 3 रुपए से लेके 5 रुपए के बीच में कंद मिल जाता है। कंद जो होने चाहिए आपके, वो 600 ग्राम से लेके और 1 किलो तक के बीच के होने चाहिए, जिससे आपका केले की अगले साल कटिंग आएगी वो समान रूप से आएगी। कंद में भी खेती बहुत आसानी से होती है और बहुत अच्छे से लोग कर भी रहे हैं उसको। ज़रूरी नहीं है कि आप टिश्यू कल्चर पे जाएं। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कंद से स्टार्ट कर सकता हूँ। अब अगर आपको टिश्यू कल्चर पे जाना है, तो टिश्यू कल्चर में पौधे को भारत सरकार ने जो मान्यता दी है वो 8 साइकिल तक, मतलब एक बार पौधा लिया बॉटल में रखा, उसको हम 8 बार मल्टीपल करेंगे। गुणा पौधा लिया टिश्यू बॉटल में रखा, एक 28 दिन में 3 बने, फिर उनको अलग अलग किया, फिर अगली बॉटल में ट्रांसप्लांट किया, फिर अगली में किया, ऐसे कर करके एक बार को एक साइकिल बोलते हैं। अब जब आप इसको 8 साइकिल तक बनाते हैं, इसके बाद भारत सरकार आपको, यानी कि मुझे, अगर मैं लैब हूँ तो मेरे को, अगर मैं 8 साइकिल से ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे वो DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं देगा। मान्यता प्राप्त नहीं है, भारत सरकार उस पर सब्सिडी भी नहीं देती है। वो सिर्फ मान्यता प्राप्त लैब, जिनका जो DBT नॉर्म्स में, भारत सरकार के जो कानून है, नॉर्म्स हैं, उसमें काम कर रहे हैं, उनको देती है। हम लोगों ने इसमें क्या किया कि साइकिल को कम किया, 8 की बजाय हम इसको 6 पे लेके आए। 6 पे लेके आए तो उत्पादन बहुत जबरदस्त आया और पौधे की रोग कम आए, प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा बनी, हर मिट्टी में उसने कमाल प्रदर्शन किया। फिर लोगों, फिर लगा कि यार इसको थोड़ा 4 साइकिल पे लेके आइए, फिर इसको 4 साइकिल पे लेके आए तो 4 पे पौधे कम बने, 6 पे तो वैसे भी कम बने थे, 4 पे और कम बने। अब 4 साइकिल पे जब लेके आया तो इसने उत्पादन जो है वो 73 kg दिया है गुजरात में, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आया। किसान को चलाना नहीं पड़ता, वो खुद चलता है, बस साथ देना है पौधे का। अभी 1 साइकिल का भी पौधा बनता है कि मल्टीपल ना ही किया जाए, बिल्कुल एक को एक रखें तो क्या आएगा। वो इस साल हमने 4 लाख पौधों के साथ R&D की है, देखिए क्या रिजल्ट आता है त्यागी जी उसका। तो इसका मतलब बलराम किसान के यहाँ भी पौधे अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल कर हाँ, रहे हैं ये जो जी नहीं? पौधे हैं, आप रेवा फ्लोरा कल्चर प्राइवेट लिमिटेड है, मध्य प्रदेश बड़वानी में, जो बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है, जो किसानों का एक ग्रुप है, बिजनेसमैन नहीं है उसमें, सारे किसान ही हैं। किसानों ने मिलकर वो लैब खड़ी की थी और उसके बाद वो लैब आज किसानों को कैसा पौधा मेरे खेत में चाहिए उस तरीके का पौधा प्रोवाइड करा रही है, और तकरीबन पूरे भारत में हम पौधा दे रहे हैं। और ये जो आपने आज पौधा देखा है त्यागी जी, ये पौधा भी 4 साइकिल वाला पौधा है, रेवा G9+ के नाम से हम इसको तो बताते हैं, और हम लिखित में देते हैं सर्टिफाइड करके, पूरे पक्के बिल सर्टिफिकेट के साथ। अगर मैं आपसे पौधा खरीदना चाहूँ, कि मान लीजिए मेरे को 2000 पौधे दे दी जी, तो कितने उसकी उसका मूल्य क्या होगा और कितने दिन पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा? इसका मूल्य हर राज्य के हिसाब से अलग है, लेकिन प्रदेश के हिसाब से हमने एक रखा है। आप बलिया से लेके सहारनपुर तक एक ही प्राइस है, इस साल 23 रुपीज़ था, 23 रुपया प्रति पौधा, विद ट्रांसपोर्ट, विद साल भर की हैंड होल्ड सपोर्ट के साथ। अच्छा। हर हफ्ते हम लोग आपसे वीडियो मांगते हैं, साथ में गाइडलाइन देते हैं और साथ में आपको लेके चलते हैं। किसान साथियों, ये बलराम किसान द्वारा तैयार किए गए पौधों का कोई प्रचार नहीं है, इच्छा आपकी है जी, मन आपका है, निर्णय आपको लेना है आपको पौधे कहाँ से ले। राहुल जी से मेरी इस बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है और मैंने ये प्रश्न इनके खेत पर भी पूछा था, जब इन्होंने पहली बार मुझे बताया, जो ये सूचना मुझे किसी भी वीडियो में अभी तक, हो सकता है जिसमें दी गई हो मुझे ना मिली हो, वो कि ये कितनी बार इसको ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपको पौधे चाहिए तो इनसे भी ले सकते हैं। राहुल जी का नंबर मैं दे रहा हूं आपको, इस पे इसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बलराम किसान के चैनल पर इनकी सब चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, चलो हमने मान लिया हमने पौधा भी लगा लिया जी, अब उसे लगाते समय और क्या सावधानियां करें? उसमें कोई खाद वगैरह कुछ और नहीं डालना? हाँ, बिल्कुल डालना है उस समय। और क्या सावधानी? सावधानी ये है कि जब पौधा आएगा पॉलोथीन में आए, या तो जो बाकी लैब हैं वो पॉलोथीन में देती हैं, कंद अगर आप लेके आएंगे तो कंद को पहले आपने लाते ही 200 लीटर पानी में 200 ग्राम बावेस्टिन डाल दीजिए और उसके साथ उसको
हम ट्रीट करेंगे आधा घंटा एक घंटा छोड़ के, फिर उसको कंध वहाँ से निकालेंगे। जो लेबर होगी उनके हाथ पे ग्लव्स होने चाहिए ताकि वो नंगे हाथ से एक कंध को छू के फिर दूसरे कंध को ना लगाए, हाँ गड़बड़ ना करें ये, क्योंकि ये सारा गेम बैक्टीरिया और फंगस का है। अब इसको ट्रीट करके हम लगाते हैं, उसके साथ सावधानी ये है कि अगर पॉलिथीन में आ रहा है ये तो कंध का हो गया, पॉलिथीन में आ रहा है तो पॉलिथीन को पहले इस तरीके से रोल करना है, हल्का ऐसे नहीं बहुत मामूली से, और बाद में यहाँ पे पौधे को ऐसे लेना है, ऐसे पॉलिथीन करना है, हल्के से पॉलिथीन को खींच लेना है। रूट जोन जो जितना भी इसका बना हुआ है वो बिखरना नहीं चाहिए, अगर बिखर गया तो कभी भी उत्पादन बिल्कुल भी आएगा नहीं, 15 किलो से ऊपर 20 किलो से ऊपर वो जाएगा नहीं पौधा आपका। अब ट्रे में जैसे हम लोग देते हैं, इसलिए हम लोग ट्रे में देते हैं, हम लोग बहुत हल्की ट्रे बनाते हैं पत्ते जैसी। अब उस ट्रे को आपने अगर ऐसे चटका मारेंगे तो आराम से फटती है, धीरे से फाड़िए, हल्के से उसको यहाँ से पकड़ने की आवश्यकता नहीं, एकदम ऊपर आ जाता है। कुल मिला के आपके घर जब पौधा आया तो 12 घंटे पहले से पानी नहीं देना है, पानी देंगे तो वो मीडिया गीला रहेगा, वो रूट रूट ऊपर आ जाएंगे, मीडिया नीचे रह जाएगा, थोड़ा ड्राई होना चाहिए, तो ये थोड़ा सावधानी। और यहाँ से जो पौधा पकड़ के खींचते हैं इसको जोर लगा के खींचना नहीं है, क्योंकि इसकी मांसपेशियों में पानी है, आपके हाथ जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर जरा सा भी हमने इसको दबाया तो ये अभी आपको नहीं दिखाई देगा, खेत में लगाने के 3 दिन के बाद यहीं से काला पड़ेगा पौधा और टूट जाएगा। अब आपको लगेगा पौधे में फंगस लग गई, पौधे में फंगस ही लगा है, आपके दबाने से इंजरी हुई, इंजरी से फंगस आई और ये छोटा बच्चा था, अब ये खत्म, अब आपको इसको उपचार करना पड़ेगा, बहुत सारे इसमें प्रोसेस है, सावधानी से इसको निकालें बहुत हल्के हाथ से। चलिए हमने पौधा भी लगा लिया, अब हमारा जो फल आएगा वो लगभग 12 महीने लगते हैं फल मिलने में, 13 महीने, अब से लेकर जब तक कितनी बार हमें इसमें खाद लगाना है और क्या क्या खाद लगाना है ये मोटे मोटे तरीके से बता दीजिए। अब ये तो प्रत्यागी जी लंबा प्रोसेस है, 15-15 दिन पे हम इसमें खाद लगाते हैं। अच्छा, हर 15 दिन? हाँ जी, यूरिया DAP पोटास कैल्शियम सल्फर सारे पोषक तत्व तो जितने एक फसल को चाहिए होते हैं वो हम सब, हमारे एक चार्ट हम प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, साथ में हमारे एक्सपर्ट होते हैं आप लोगों के साथ जुड़े हुए, हमारे कस्टमर केयर के नंबर हैं, उन पे आपने वीडियो भेजना होता है, जैसे यूपी को हैंडल मैं कर रहा हूँ तो शायद कोई किसान होगा जो डिस्क्रिप्शन में ये लिखेगा कि राहुल भैया ने मेरा जवाब नहीं दिया, उसमें हम चार्ट तो साथ में दिया ही दिया है, हम प्रैक्टिकली साथ में आप लोगों के हैं जी, और उसमें आपको पूरा चीज। अब अगर मैं बताऊं तो पहली शुरू की दो चार खाद बता देता हूं स्टार्टिंग। हाँ, पौधा लगाने के अगले दिन 200 लीटर पानी, 40 किलो गोबर और 5 किलो गुड़, इसको घोलना है। गोबर ताजा या पौधा? ताजा गोबर जी, ये थोड़ा सा मुझसे पूछ लेना, मैं कभी कभी स्लिप हो जाता हूँ। नहीं नहीं तो नहीं, वो उनको किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। अब उसको आपने सीधा पौधे के, ये पौधा है सीधा तने पर ड्रिंचिंग करना है बिल्कुल जड़ में। अच्छा, 200 ml के पास वो ड्रिंचिंग का मैंने बताया। सातवें दिन 2 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और 1 किलो सल्फर WDG, इसका ड्रिंचिंग करना है पौधे से 4 इंच दूर गोलाई में, ठीक है। मॉइस्चर मेंटेन करना है, पानी कब देना है कब नहीं देना है वो आपको देखना है, नमी पर बरकरार रहनी चाहिए हमेशा, जमीन सूखी नहीं दिखनी चाहिए, भूरी नहीं दिखनी चाहिए ऊपर। उसके बाद फिर आपका 12वें दिन आपको 3 किलो 13-40-13 और 50 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, इसको मिक्स करना है और इसको आपने ड्रिंचिंग करना है 200 ml का। उसके आपको फिर लेना है 17वें दिन आप आएंगे 13-40-13 5 किलो पोटेशियम फुलवेट 100 ग्राम। काफी लंबा प्रोसेस है, क्या इसका चार्ट हमें अवेलेबल करा सकते हैं? जी, जी, जी। तो किसान साथियों ये जो इनका चार्ट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जी। लेकिन सावधानी बहुत बरतनी है, खाद लगाने में कितनी मात्रा है क्या है, और अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो बलराम किसान के कस्टमर केयर नंबर पर या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो राहुल जी को डायरेक्ट आप फोन कर ये पूछ सकते हैं। अच्छा, अब चलिए हमने लगा दिया, 6 महीने बीत गए जी, अब हमारा पाला पड़ने शुरू होना, सर्दी 15 नवंबर के बाद हमारे क्षेत्र में बढ़वार सब चीजों की रुकनी शुरू हो जाती है, फल वहीं का वहीं रहेगा और केवल गेहूं की बढ़वार होती है, ठीक है जी, बाकी उसकी ना ऊंचाई होगी ना पत्ते निकले, पत्ते जलने शुरू हो जाए, उससे क्या कोई बचाव का विशेष तरीका है तो आप जो किसानों को बताइए। 25 नवंबर से पहले आप लोगों को पौधे की मोटाई 20 इंच से बाहर लेके जाना है, नीचे का जो तना है वो 20 इंच प्लस होगा, निश्चित रूप से लिखित में दे सकता हूं पाला उस पौधे को कुछ नहीं कर सकता है, वो शानदार उत्पादन देगा।
अब जिनके पौधे छोटे हैं अब सभी तो नहीं कर सकते ये चीज, कोई बेचारे ऐसे भी होंगे जिनके किसी कारण से घर में विपत्ति आई होगी, कोई परेशानियां रही होंगी या उतना फर्टिलाइजर उतना नहीं कर सकते उनके रह गए छोटे, तो इनके लिए सबसे अच्छा है त्यागी जी मिट्टी का स्प्रे। ये मेरा जो इस साल का अनुभव है, इसने इतने जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं मिट्टी के। कौन सी मिट्टी का? ऊपर वाली मिट्टी का? 5 फीट का गड्ढा खोद के। अच्छा, 5 फीट का गड्ढा साइड के ऊपर से नीचे तक की जाड़ों में 40 किलो मिट्टी चलेगी। अच्छा, 200 लीटर पानी, 40 किलो मिट्टी। दो चीजें हैं, एक तो आप इसमें वाइसिनोमेटा ले सकते हैं। क्या चीज? वाइसिनोमेटा सुक्रोज, जिससे हम पौधा बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, अगर वो नहीं है और आपके पास देसी गाय है, दिक्कत क्या होती है कि हम लोगों के पास देसी गाय नहीं मिलती है, बाकी और ऑर्गेनिक गुड़ नहीं मिलता, मिलता भी है तो वो बड़ा महंगा है, तो उसके लिए हमने ये चीज एक लॉन्च करी थी कि आप, हर आदमी बोलता है जी मेरे को सुलभता चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए, तो आप इसको ले सकते हैं। वरना आप 2 किलो गुड़ उसके अंदर डालिए, 2 से 3 लीटर गाय का जो ठाट वाली गाय होती है, मैं समझ गया, देसी गाय का पेशाब उसमें डालिए और इसको 36 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप इसको चलाइए। अच्छा, और चलाने के बाद आप इसको 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए, तो 20 मिनट में भारी मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे। आप डबल कपड़ा रखिए, आप टंकी के मुंह पे छानिए और सीधा स्प्रे कीजिए, 100% पाला नहीं पड़ेगा, वायरस नहीं आएगा, पाला नहीं पड़ेगा, फंगस नहीं लगेगी और न्यूट्रिशन की जितनी भी कमी है वो सब पूरी होगी। और ये क्वालिटी मिट्टी के स्प्रे की है। जो अगर ये ना कर सके कोई तो क्या करना है? क्या करवाते हैं? 5 किलो यूरिया, 5 किलो सल्फर WDG, 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 100 ग्राम पोटेशियम ओमेट, इसको घोल करके 200 ml प्रति पौधे की जड़ में ड्रेंचिंग करते हैं प्रति सप्ताह। अच्छा, तो इससे गर्माहट बनी रहती है और नीचे हम पौधे की जड़ में मल्चिंग कराते हैं गन्ने की पत्ती की, गन्ने की पत्ती पुराल बिल्कुल जड़े एकदम बेड जो है वो पूरा मल्च रहेगा। प्रति सप्ताह ड्रिंचिंग कर दो और मल्चिंग कर दो। मल्चिंग तो शुरू से ही हो जाएगी। और स्प्रे जो वो अगर 2 ग्राम पर लीटर का, हाँ, अगर सल्फर का करना चाहे तो वो स्प्रे कर दो कितने दिनों बाद? 15 दिन सल्फर वाला तो 12 दिन चलेगा आपका। 12 दिन चलेगा, ठंडी में थोड़ा जल्दी लेना है। और उसके साथ में आपको रेडोमिल गोल्ड आता है वो, और भी बहुत सारे फंगीसाइड हैं जिनके नाम मैं आपको बता दूंगा, आप उसमें डाल दीजिएगा। इनके स्प्रे भी साथ में हम लेके चलेंगे, लेकिन सबसे बेहतर मिट्टी का स्प्रे अगर किसान भाई अगर सच में खेती करना चाहते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा था कि मुझे जहर मुक्त कैसे मिलेगा, वो मिट्टी का स्प्रे आपको मिलेगा खाने के लिए। ये सब चीजें हमारे लिए भी अच्छा। राहुल जी चलो ये सब चीजें हमने कर ली जी, अब हमें लगाने से लेकर कितने महीने इसमें? लगातार पानी की कंटिन्यूटी भाई साहब, पानी बहुत जल्दी जल्दी देना है, घबराना है नहीं बिल्कुल भी, 7-7 दिन पे पानी चलाइए। जब भी आपको लगे कि आज रात को पाला पड़ने की संभावना है, और पाला हर 5-5 दिन में अटैक मारता है, एक साथ नहीं पड़ता, नमी बनी रहनी चाहिए सबसे अच्छा। नहीं, ताजा पानी चला दीजिए आप, भले दूसरे खेत में निकाल दीजिए उधर से दूसरी तरफ उसका, ठीक तो पाला बिल्कुल नहीं असर करेगा। अब हमने चलो पाले से भी बचाव कर लिया और थोड़े बहुत मरे भी तो पत्ते निकल ही गए। अब लगाने से हमने 25 जून को लगाया था जी, तो हमारा चरखा किस दिन निकलेगा और फिर वो कितने दिनों बाद पककर तैयार होगा? ये दो चीज जी। चरखा जो हमारे यहाँ चरखा बोलते हैं, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में खार बोलते हैं, जो इसकी घर निकलेगी, ये डिपेंड करता है त्यागी जी के मेरी प्रैक्टिस कैसी है, सब चीज लगभग जो मुझे गाइडलाइन दे रहा है वो कैसा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 8 महीने में रेवा, अच्छा हमारा वाला जो है ये 8 महीने में आपको, 8 से 9 महीने में बंच दे देता है यूपी में, मतलब वो बाहर निकल जाएगा जी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 5.5 महीने में देता है। अच्छा। हमारे यहाँ ठंडी की वजह से 2 महीना 2.5 महीना लेट जाता है, तो ये आपको दे देगा मार्च लास्ट अप्रैल, लगभग उसी समय मेरे यहाँ पर आए थे अप्रैल में। जी जी आ जाएगा उस समय में, अगर प्रैक्टिस आपकी सही है तो। और ये फूल तोड़ने से लेके 90 दिन पे बिकेगा। अब लेकिन एक साथ नहीं आता है, अब त्यागी जी ने 1000 पेड़ लगाए, 250 पेड़ों में तो अभी जल्दी आ गया क्योंकि वहाँ पे जमीन थोड़ी मजबूत थी, या कुछ खाद मजदूरों ने ज़्यादा डाल दिया, या कुछ कारण रहे, कुछ में 80-70% में एक साथ आया और 10% में लास्ट में आया। अब ये तीनों एक ही गाड़ी में कैसे जाएं वो थोड़ी कलाकारी है, तो पहले वाले जो आएंगे वो 4 से भाग करके 1 फालतू रखेंगे, पंजा जो मैंने बताया था बंच मैनेजमेंट, 4 से भाग किया 1 एक्स्ट्रा रखना है। अगले 15 दिन बाद जो आएँ 4 से भाग किया उतना ही रखना है। लास्ट के 15 दिन में जो आए 4 से भाग किया 1 कम रखना है। किसानों को शायद ये बात समझ में नहीं है, ये भाग करने एक मैंने इनसे सवाल किया था कि जब फल आने शुरू होते हैं तो आप नीचे से उस फूल को तोड़ देते हैं,
उस फूल को कब तोड़ना है ताकि जो आपके केले आए हैं उनका अच्छी तरह से बढ़वार हो चुके, क्योंकि नीचे वाले बहुत तेजी से नहीं बढ़ते। तो राहुल जी ने जैसा मैं दिखा रहा हूँ इसमें जो वीडियो में दिखा रहा हूँ, इन्होंने बताया कि जो पौधे के नीचे से एक धागा लीजिए कि उसे देखे कितने सेंटीमीटर उसकी परिधि है, कितने इंच, हाँ कितने इंच परिधि है, और उस परिधि को चार से भाग कर दीजिए। मान लीजिए 32 इंच की आपकी परिधि हो गई, उसकी धागा 32 इंच का हो गया, तो 4 से भाग कर दिए तो हम बचा 8। तो आपको 8 पंजे, यानी जो केले का एक पंजा मानते हैं हम, 8 पंजे के बाद उसको तोड़ दीजिए। तो जितना मोटा केला है उतने ही ज्यादा पंजे आप रख सकते हैं, अगर कम है तो कम रख। हम ये मान के चलें कि हमारे पास 2 एकड़ जमीन में हमने केला लगाया जी, तो 5x8 से लगभग 2000 पौधे लगेंगे जी, है ना जी। एक एकड़ में 1100 पौधा आता है। मैं रफली, मैं 100 पौधों को हाँ, तो कभी गिनता ही नहीं जी जी। तो 5×8=40 में से 1100 आएंगे, 43,000 स्क्वायर फीट होता है जी जी। तो 2000 पौधे लगेंगे जी। तो 2000 पौधे से जो मतलब हमने जून में लगाए, हमें अगले साल अक्टूबर नवंबर तक हमें कितनी आमदनी होगी, कम से कम और अधिक से अधिक? पहले खर्चा बता दूं? ना अच्छा, आमदनी बता दूं। आप टोटल मतलब मुझे ये बताइए कि कितने फल आएंगे, वो हम देख लेंगे फिर उसी। फल तो 100% आएगा। नहीं, कितने फल की बात नहीं, कितने केजी हमारे, अच्छा, कितने केजी? 2000 पौधों पर औसतन एक पौधे पर कितने का हमें? 25 किलो का एवरेज एक सामान्य किसान का आता है। तो 25 किलो को अगर हम लेते हैं तो 2000 से मल्टीप्लाई अगर हम करें जी, है ना, 25 × 2 = 50,000 किलो जी, 50,000 किलो हो गया जी। तो मोटा मोटा पकड़ कर चलते हैं, जैसा भाव चलता है कि 10 रुपए किलो हमारा बिक गया। हाँ, ये मरा हुआ भाव। मतलब मैं जी जी, किसान साथियों आपको पता है मुझसे सवाल पूछते हैं कि अमरूद से कितनी आमदनी होती है, मैं कहता हूँ भाई 50,000 रुपए पर एकड़ इनकम। मैं जब इनकम की बात करता हूँ तो ये बताता हूँ उसमें आपके सभी खर्चे निकाल दिए हमने, सब खर्चे निकाल दिए, और उससे लेकर 2 लाख तक आप कमा सकते हैं। ये आप पर, आपकी जमीन, आपकी देखरेख, खाद पानी, सब चीजों पर निर्भर करता है, और आप किसी की सलाह लेकर कर रहे हैं। कंसल्टेंट की अपनी वैल्यू है, ये मत समझिए। कुछ किसान हैं बहुत अच्छे, जागरूक हैं, वो केवल हमारी वीडियो देखकर हमसे भी अच्छे बाग बना लिए उन्होंने। कुछ हैं उन्हें कितना भी बता लो तब भी नहीं कर पाते हैं। तो 5 लाख का 2 एकड़ में हमने बेच दिया जी। अब हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा मोटा मोटा करके कि हमने डॉक्टर साहब ने पहले साल करा था 4 लाख का हमारा खर्चा आ गया, तो भी आपको अगर हम लगाएं तो 1 लाख रुपए इन्हें 2 एकड़ से नेट इनकम होगी सब खर्चे का, मरते मरते सब। 1 एकड़ से 2 लाख छोड़ जाएगा? नहीं, मैं तो 2 एकड़ से 1 लाख की मान रहा हूँ। ना इतना तो नहीं त्यागी, ये तो गड़बड़ी हो गया पूरा। चलिए, केले का गणित ही बदल दिया, कभी नहीं मरता 2 लाख से नीचे तो 1.5 लाख। हमें ये बताइए कि हमारी बिक्री और इसकी कहाँ होगी, होगी भी या नहीं होगी, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब मेरा जो है ना एक सबसे बड़ी जिज्ञासा है मेरे पास, जब हम फसल तैयार होगी तो उस टाइम आप बता दो कि तो कोई उसे ले ही नहीं रहा, तब हम क्या करेंगे जी? अब बताइए। यदि आपने किसान पाठशाला के थ्रू इन किसानों की FPC से पौधा लिया है, मतलब रेवा से पौधा लिया है, अच्छा, और 100% हमारी जो रेसिड्यू फ्री की गाइडलाइन चलती है जिसमें केमिकल प्लस ऑर्गेनिक दोनों मिक्स है, सबसे पहले मिट्टी सुधारेंगे, धीरे धीरे हम इसको छोड़ेंगे, एकदम से हम ऑर्गेनिक की बात नहीं करते हैं, वो है भी गलत। हम एक रेसिड्यू फ्री बनाना बनाएंगे, इसका अपना बाहर भेजने का भी काम है BK बनाने के नाम से, लेकिन अभी हम सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र तक सीमित हैं क्योंकि यहाँ का केला लंबी चाल नहीं पकड़ता है, उसके कारण है क्योंकि केला केमिकल केला होता है, यहाँ से बंदरगाह तक जाते जाते बीच में पक जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमारे साथ कुछ बड़े व्यापारी टाई अप हैं, यदि पूरी गाइडलाइन हमारी फॉलो हुई और नीचे की फली आपने 7.5 इंच की दी और उस केले के अंदर आपने कोई भी घातक ऐसी चीज नहीं डाली है, तो फिर वो केला आपका बिकवाने की हम लोग साथ में खड़े हैं। पूरी एक होता है गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम लोग उसको सेल आउट करवाते हैं और व्यापारी उपलब्ध कराते हैं किसानों को, करवा ही रहे हैं। साथियों, जब मैंने ये देखा केला जो आप करते हैं तो सब्जी में भी काफ़ी डिमांड है इसकी, और ऐसा नहीं है मेरे यहाँ जो चरखे हैं, मेरा बेटा तो एक चरखा तोड़ लेता है 15 रुपये किलो से, जो हमारे यहाँ हाट लगती है वो ले लेता है और हमारी सब्जी आ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-12 मेरे पास अभी भी लगे हुए हैं चरखे।
तो बिक्री एक नहीं है, जो शादियों का मौसम आता है नवंबर में, अक्टूबर से शुरू होता है नवंबर में, बहुत महंगा बिकता है केला, क्योंकि सब्जियों में कच्चे केले की ने हमारी काफी जिज्ञासा करी। अगर हमारी कोई बात रह गई हो, कोई विशेष संदेश हो किसानों का आपके लिए, तो वो जरा बताइए। किसान विशेष संदेश ये है कि अब बात आती है अगले साल की, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उत्तर भारत में या भारत में क्या प्रचलन चला हुआ है कि पहले साल आपने लुंगर काट लिया, इसको लुंगर बोलते हैं, काट के गाड़ी में चला गया, अब किसान दोबारा से लेबर करेगा 20,000 रुपये एकड़ की, मजबूत से बलिष्ठ व्यक्ति पकड़ेगा और एक एक पेड़ को उठा के एक बीघा जमीन में बाहर इकट्ठे करवाएगा, और अब उसकी एक बीघा जमीन बेकार हो रही है इन पेड़ों के कटने से, जबकि यह सरासर गलत तरीका है। अगले साल का न्यूट्रिशन जितना आपके पौधे को देना है, आपको कॉस्ट कम करनी है, इस साल डॉक्टर साहब ने अगर 1,00,000 रुपया प्रति एकड़ खर्च किया है, तो अगले साल डॉक्टर साहब 30,000 में कैसे केला बनाए उससे 25% ज्यादा अच्छा और वजनदार, उसके लिए उस पेड़ को आपने खड़े रहने देना है, उसके नीचे के ऊपर के सिर्फ 2 या 3 पत्ते छोड़ने हैं, बाकी काट करके जड़ों में मल्चिंग कर दीजिए। अब ये मदर प्लांट भोजन तो बनाएगा, लेकिन इसके पास ना तो लुंगर है, ना ये नया पत्ता दे सकता है। अब इसका जो बेबी प्लांट आ रहा है वो इससे सारा चूस लेगा, और ये पूरा जितना इसके अंदर है अगले साल का 60% से 70% इसके अंदर ऑलरेडी है, ये सब रिवर्स होकर आप देखेंगे 2 से 3 महीने में, तो ये धीरे 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 पूरा रिवर्स हो गया, और अगले साल आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार पिछले साल का पेड़ कहाँ चला गया, और ये सारा ये पौधा ले लेगा बिना खाद के, जहर मुक्त केला अगले साल तैयार। हर साल यही प्रक्रिया चलेगी, और आप तीसरे साल डॉक्टर साहब बोलेंगे कि कुछ तो खर्च करा दो, मेरा तो लेबर के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। किसान साथियों, ये थी एक छोटी सी चर्चा केले की खेती के ऊपर, और मेरा उद्देश्य यही था, जो मेन था कि मैं केले के बारे में जानूं, क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट भी सफल हुआ। अगले वर्ष इसको एक अपने खेत में लगाने जा रहा हूं, लगभग आधा एकड़, मेरे पास जमीन ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं लगाऊंगा ताकि आप लोगों को भी दिखाऊं। जब आदमी ठान ले, तो लोगों ने तो पहाड़ काट दिए, ये केला इसमें बर्फ में जो पाले में से बचाना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। इसी के साथ ही हम धन्यवाद करते हैं राहुल जी का। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।